हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कल मैंने गुडविल से रिलेटेड आपको एंट्रीज बताई थी, आज मैं आपको उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके सिखा रही हूँ और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 17 अगर रीड आउट करें तो द रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर ए एंड बी इज 2:1। They admitted C for 1/4 share in the future profits of firm. तो उन्होंने C को 1/4 share के लिए firm में क्या किया है, enter किया है। Old ratio हमारा क्या है, 2:5, ठीक है। अब इसके बाद new partner जो enter हुआ है उसका amount, उसका share क्या है, 1/4, ठीक है, यहाँ मैंने इसमें लिख दिया है। अब जो न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर ₹14,000। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर ₹14,000। अगर सी अपने शेयर की गुडविल लेकर आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल ही के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर पूरी फर्म की गुडविल गिवन है तो उस पूरी फर्म की गुडविल में से आपको न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल को फाइंड आउट करना है, यानी उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है। और ऑलरेडी अगर उसके शेयर की गिवन है फिर आपको कुछ नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में आपको सी के शेयर की गुडविल गिवन है जो कि कितनी है, ₹14,000। अब इस एक क्वेश्चन में अगर आपको इस एक कंडीशन में जब न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर कर रहा है और पुराने पार्टनर्स में से वो किससे अपना शेयर किस तरीके से ले रहा है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें अगर आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो वाला मेथड यूज़ होगा जिसमें लेट द होल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1 और 1 माइनस सी शेयर यानी 1/4 करेंगे तो रिमेनिंग शेयर यानी 3/4 को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा पहले भी मैंने रेशियो के क्वेश्चंस में बताया था, तो नए फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। लेकिन इस एक कंडीशन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए अभी आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले न्यू रेशियो, देन फिर वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन इस एक कंडीशन में जब हमें ये पता ना हो कि नया पार्टनर फर्म में एंटर करने पर पुराने किस पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन और इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करें देन हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करें। यहाँ ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 2:5। तो ओल्ड ही सिर्फ इसी, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ इसी कंडीशन में ऐसा होगा, इसके अलावा बाकी सभी कंडीशन में यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड ऑल्सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्पेशली इस लाइन को मेंशन भी किया है यहाँ पर देखिए, इन दिस कंडीशन ओल्ड रेशियो विल ऑल्सो बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये ध्यान रखें हर क्वेश्चन में, आगे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी आपको ओल्ड को ही क्या मानना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानना है। अब हम इसी ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कितनी ब्रिंग कर रहा है बिजनेस में, वो ब्रिंग कर रहा है 14,000। इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कैपिटल भी ब्रिंग करता है, कोई बात नहीं, जो चीज़ है हम सिर्फ उसी से एंट्रीज शो करेंगे। तो जैसे ही न्यू पार्टनर 14,000 की गुडविल फॉर्म में ब्रिंग करेगा तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कल मैंने आपको बताई थी फॉर्म की बुक में कौन सा अकाउंट ओपन होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये वो कंडीशन है व्हेन द न्यू पार्टनर गिव्स द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जब एक नया पार्टनर फर्म में कैश या बैंक चेक के थ्रू गुडविल देता है तो इस कंडीशन में हम प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ओपन करते हैं और कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नरेशन प्रॉपर देंगे, जनरल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हम बनाते थे,
डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम एंट्री करेंगे जैसा हमने 11th में सीखा है। ठीक है, उसके बाद नरेशन देंगे प्रॉपर। नरेशन क्या है? बीइंग सी वॉट इन अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी ने अपने शेयर की गुडविल फर्म में दी। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम इस गुडविल के अमाउंट को यानी इस 14,000 की गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ध्यान रखिएगा मैं ओल्ड पार्टनर वर्ड यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ उन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं जो कि न्यू पार्टनर के फॉर्म में एंटर करने की वजह से अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों ही पार्टनर क्या है? सेक्रीफाइसिंग है, दोनों पार्टनर यानी ए और बी। तो ये गुडविल जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5 यानी ओल्ड को ही यहाँ हम टू क्या मान रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग, इसलिए 2:5 में ही क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, जिसको हमने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था वो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकाउंट में क्रेडिट होगी, यानी वो ये उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी, तो उनके अकाउंट हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जिनको भी गुडविल रिसीव होती है उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट हो रहा है एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब क्वेश्चन ये होगा कि कितना अमाउंट हम पे करेंगे, तो सी के शेयर की गुडविल कितनी है, 14,000। 14,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:5 दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 2:5 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 14,000 का 2/7 कितना होगा, 4,000। और ये देखिए नीचे दिया हुआ है, मैंने डिवाइड करके यहाँ पर इसलिए वर्किंग नोट में शो भी कर दिया है कितना है, 4,000। ऐसे ही अगर हम बी का करें तो बी का 14,000 का 5/7 कितना होगा, 10,000। तो ये दोनों ही अमाउंट, ए का अमाउंट ए के आगे शो कर दिया जाएगा और बी का अमाउंट बी के आगे शो कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम जनरल एंट्रीज़ के थ्रू गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। इसे ही बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन ये है, इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश में ब्रिंग कर रहा है, लेकिन कई बार पार्टनर कैश में ब्रिंग नहीं करते, तो वो कंडीशंस जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उनमें हमारी एंट्रीज़ में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको ये सभी चेंजेस बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी डिपेंड करते हैं। उनके आंसर तभी आएंगे जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ठीक से करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल न सिर्फ एडमिशन का पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो। तो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट चेंज होंगे, तो ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आप एडमिशन में बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप रिटायरमेंट और डेथ में भी इस पार्ट को बहुत ध्यान से नहीं कर पाएंगे। तो अभी आज मैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी एक्सप्लेन करके बताऊँगी ताकि आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।